इन्होंने जैसा बोला कि डेट स्कॉलर और हॉस्टलर की जो यूनिटी है वो सही मतलब हॉस्टलर अलग जाते हैं डेट स्कॉलर का। देखो जैसे अपने अपने धर्म होते हैं, धर्मों में कुछ नियम और कानून होते हैं और दूसरे धर्म होते हैं उनके अलग अलग नियम और कानून रहते हैं। बिल्कुल इसी जैसे हॉस्टलर और डेट स्कॉलर के कुछ नियम और कानून है, अगर उनको बदला जाता है तो वो प्रेशराइज होता है, वो एक प्रकार से दबाव होगा, उसको हम नहीं बदल सकते क्योंकि धर्म को मानना हमारा कर्तव्य भी है और हम उसको मान लेंगे। तो देखो जहाँ पे हम रह रहे हैं वो ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग विविधताएं समझते हो व्यवस्था तो यहाँ पे विविधता होते हुए भी लोगों में एकता है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई, फिर भी लोग आपस में जुड़े रहते हैं। दूसरी कंट्री में देखो तो इतना ज्यादा नहीं होता, अगर कोई जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई इंडियन पहुंच गया तो उसको एक ऐसा दूसरे धर्म वाला माना जाता है, उसमें कुछ अत्याचार भी होते हैं। लेकिन इंडिया ऐसी जगह है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों को बहुत धर्मों को मानने वाले हैं, तब भी यहाँ पे यूनाइटेड है। ऐसे ही हमको क्या करना है कि भले हमारे कुछ नियम और कानून हैं तब भी हम एक्टिव रहें और यूनाइटेड रहें। यूनाइटेड अगर हम नहीं हैं तो हमारे ऊपर कई दबाव भी आते हैं और लोग इसका फायदा उठा देते हैं और फायदा जेईसी में भी उठाया जा रहा है, जेईसी में भी उठाया जा रहा है। कैसे? हम आपस में यूनाइटेड नहीं, हॉस्टल और डेस्क जब भी कोई बात आती है, जब भी हम अपनी रिक्वायरमेंट को रखते हैं कोई भी बात, चाहे वो हमने गेट के एंट्रेंस गेट का नाम हो, चाहे पानी की दिक्कत हो, हमें पूरे पूरे जो वर्क है पूरे हॉस्टल ही करवा रहा है और हॉस्टलर ही करवा रहा है। जब भी हम खड़े होते हैं कॉलेज में कोई अगर दिक्कत आई कोई सपोर्ट नहीं करता है, सपोर्ट ना करने का मतलब मतलब लोगों के अंदर ये मेंटालिटी चली गई है कि नहीं हॉस्टलर मतलब झगड़े करवाता है, ये करवाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं, हम झगड़ा तभी करते हैं जब कॉलेज के लिए फायदा हो। और हमारा यही रहता है कि भाई यूनाइटेड रहें और यूनाइटेड कैसे रहें, आपस में इंटरेक्शन हो। ये चीजें मैंने इसीलिए चालू करी हैं क्योंकि लोग आपस में इंटरेक्ट हो पाए, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप और इन सारी सोशल मीडिया से कुछ नहीं होगा। मैं सपोर्ट करता हूँ डिजिटाइजेशन, लेकिन मैं सपोर्ट उसका नहीं करता कि लोग उसमें देखो लत ऐसी चीज होती है ना कि लोगों को जबरदस्ती उसमें घुसा के रखती। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर लोग सामने एक दूसरे के फेस टू फेस मिले बात करें तो अपनी जो सोच रहती है वो खुलती है। आप देखना एक प्रकार से आप एक सोच कर अपने आप पे कि जब आप व्हाट्सएप फेसबुक और ऐसी चीजों में लगे रहते हैं तो आपकी सोच जो है नैरो माइंडेड हो गया, उल्टा है इसका। अगर आप किसी के सामने इंटरेक्ट तो बात करते हैं, किसी से बोलते हैं बताते हैं जो फेस टू फेस रहता है, आपकी जो सोच है ओपन माइंडेड होता है। तो वही है कि ओपन माइंडेड रहने के लिए इंटरेक्टिव होना पड़ेगा और इंटरेक्टिव होने के लिए लोगों से मिलना पड़ेगा। लोगों से कम लेंगे जब हम एक दूसरे से बातें करेंगे यूनाइटेड रहेंगे। अब कोई बंदा यहाँ से आ रहा है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वो कॉलेज में एक ही क्लास में है, एक ही कॉलेज में, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ यही हो जाता है, इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। इंटरेक्शन कैसे करेंगे? अपने आप से हम एफर्ट लगाना है, नहीं उससे बात कर, दिक्कत यही हो जाती है। यूनाइटेड ना होने का ये एक रीजन भी है कि हम अपने आप को थोड़ा सा बड़ा समझ ले सकते हैं कि नहीं हम या तो अपने आप को नीचे गिरा लेते हैं कि नहीं ये बंदा बहुत बड़ा है हम इससे बात नहीं करेंगे, या फिर अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। अपने आप को थोड़ा सा यूनिवर्स करके देखिए, यूनिवर्सल करके देखिए, आप इंटरेक्ट भी होंगे और यूनाइटेड भी। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब भी ऐसी कोई चीज होती है कि कॉलेज में अगर कोई दिक्कत आए या फिर किसी को किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए सारे कर, चाहे वो हॉस्टल हो चाहे डेस्क हो,